कि लीफ का जो लेमिना होता है, ये आपका लीफ, तो लीफ का जो लेमिना होता है, ध्यान देखिएगा इधर, ये लीफ है, ये इसका क्या होगा, लीफ का ये चौड़ा भाग होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना। तो लीफ का जो लेमिना है, इस लेमिना के अंदर ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, जो मोटा सा इधर छिलका होता है, इसको हम लोग कहते हैं मिडरिब, क्या कहते हैं, मिडरिब कहते हैं। और मिडरिब से ऐसे ब्रांचेस निकलते हैं, इन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं लैटरल वे, क्या कहते हैं, लैटरल वे। ये रहा आपका मिडरिब, मिडरिब से ऐसे ब्रांचेस निकलेंगे, इनको हम लोग कहेंगे लैटरल ब्रांचेस या लैटरल वेन में, और लैटरल वेन से ऐसे पतले पतले वेन निकलेंगे, इनको हम लोग कहते हैं वेनलेट, क्या कहते हैं। तो किसी भी लेमिना में, लीफ के लेमिना में अरेंजमेंट ऑफ मिड वेन, लैटरल वेन एंड वेनलेट, लैटरल वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट है किसी भी लेमिना में, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेनेशन कर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेनेशन कर, सिरा विन्यास कर, हिंदी में कहते हैं सिरा विन्यास, कि आपकी जो लीफ के अंदर जो सिराएं हैं, यानी सिंपल सी बात यह है कि जो खून का कंडक्शन होगा, जो वाटर का कंडक्शन होगा, वो लीफ के लेमिना में किस प्रकार हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वेनेशन कर। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन, लैटरल वेन एंड वेनलेट इन द लेमिना कॉल्ड वेनेशन, क्लियर। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि वेनेशन मेनली कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। तो पहला जो वेनेशन था, उसको कहा गया रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन इसका मतलब होता है कि ऐसा वेनेशन जिसमें मिड वेन, लैटरल वेन और वेनलेट ये सब मिल करके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाए, एक जाल जैसे सचा बनाए, तो ऐसे वेनेशन को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे हमने कल बताया था आपको कि जब आप पीपल की पत्ती लेते हैं और पत्ती जब सूख जाती है, उसको ऐसे, उसको जैसे ही हल्का सा हिलाकर देखते हैं, तो उसमें पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पूरी जाल जैसे सच्चा दिखाई देती है। तो ये वेरिएशन क्या कहलाएगा, रेटिकुलेट वेरिएशन, क्या कहलाएगा, रेटिकुलेट वेरिएशन, क्लियर। अब रेटिकुलेट वेरिएशन आर टू टाइप्स, जो आपका रेटिकुलेट वेरिएशन होता है ये मेन टू टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है यूनिकोस्टेड, पहला होता है यूनिकोस्टेड और दूसरा होता है आपका मल्टीकोस्टेड। यूनिकोस्टेड का मतलब होता है कि जब आप देखेंगे कि लीफ में बस एक ही लेमिना प्रेजेंट, मतलब लीफ के लेमिना में बस एक ही मिडरिब प्रेजेंट हो, और इस मिडरिब से क्या निकलेंगे, लैटरल वेन निकलेंगे, तो ऐसे ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन को कहेंगे यूनिकोस्टेड, मतलब लेमिना विथ ए सिंगल मिडरिब, एक सिंगल मिड वेन या मिडरिब की वजह से जो लेमिना बनेगी उसे कहा जाएगा यूनिकोस्टेड। मल्टीकोस्टेड में क्या होगा, यहाँ पर लेमिना जो होगा, लेमिना में जो होगा ना, वो एक मिड वेन नहीं होगा, एक से अधिक मिड वेन होगा। तो जहां पर मिड वेन की संख्या एक से ज्यादा होगी उसे हम लोग कहेंगे मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन, क्लियर। जैसे इसमें, इसमें भी आपके दो टाइप होते हैं मल्टीकोस्टेड में, पहला आता आपका कन्वर्जेंट, क्या था, कन्वर्जेंट, और दूसरा आता आपका डाइवर्जेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज एक 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 दूसरे के पास आना, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट में आप देखेंगे कि आपका मिडरिब मिडवेन हो गया है, एक ही मिडवेन नहीं होगा, एक से अधिक मिडवेन होगा, यानी दो होगा, तीन होगा, और ये सब मिल करके इसके जो वेन और वेनलेट्स होंगे ये सब मिल करके क्या करेंगे, आपके लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन देंगे। तो ऐसे ऐसे वेनेशन को हम लोग कहेंगे मल्टीकोस्टेड और कन्वर्जेंट, क्योंकि सब ऊपर जाकर मिल जा रहा है, इसी को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या है, तेज पत्ता और कपूर, तेज पत्ता और जो कपूर, तेज पत्ता है तेज पत्त कहते हैं, तेज पत्ता और कपूर, इन दोनों के जो लीफ होते हैं वो कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट टाइप। फिर आता है डाइवर्जेंट टाइप, डाइवर्जेंट टाइप में आपने आपको बताया था जितनी भी कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट्स हैं, कोहरा हो गया, ककड़ी हो गई है ना, जितने भी खीरा हो गया, जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट हैं उनमें डाइवर्जेंट टाइप ऑफ लीफ, टाइप ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इसमें क्या होगा, एक हो गया मिडरिब, इससे एक से अधिक मिडरिब होंगे, लेकिन ये मिडरिब एक जगह जाकर मिलेंगे नहीं,
बल्कि इसमें ये ऊपर की तरह क्या रहेंगे, फैल जाएंगे। तो ऐसे वेरिएशन को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस। रेटिकुलेट होगा नहीं, कैसा होगा, डाइवर्जेंस। इस तरीके से लीफ बनेगी, दैट इज डाइवर्जेंट रेटिकुलेट वेरिएशन। तो यहाँ पर ऐसी लीफ बनती है, यहाँ पर एक से अधिक मीडियम निकले लेकिन सब जाकर आगे मिलने के बजाय क्या हो जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, डाइवर्जेंट हो जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं। इसी से कहा जाएगा डाइवर्जेंट रेटिकुलेट विनेशन। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट है उन सबके लीफ कैसे विनेशन पाए जाते हैं, डाइवर्जेंट। क्लियर हुआ इतना? आगे देखिए, अब ये तो हो गया रेटिकुलेट। अगला क्या आता है, पैरेलल। पैरेलल में आप देखेंगे कि पैरेलल जो रेटिकुलेट मतलब पैरेलल जो विनेशन होता है, इसमें खास बात क्या होती है, इसमें एक मिडवेन होगा और मिडवेन से क्या निकलेंगे, लैटरल वेन। लेकिन लैटरल वेन का जो अरेंजमेंट होगा ना, वह एक दूसरे के पैरेलल होगा, मतलब एक दूसरे के सीध में रहेंगे। पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब होगा कि जो लैटरल वेन, देखो मिडवेन जैसा था वैसा ही रहेगा, मिडवेन में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। लेकिन जो लैटरल वेन रहेंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ऐसे वेरिएशन को हम लोग कहेंगे पैरेलल वेरिएशन। और पैरेलल वेरिएशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट हो जाएगा क्या, यूनिकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का मतलब क्या होगा, इसके बीच में कितने मिडरिब रहेंगे, एक, और वहां पर आपका क्या होगा, जो वेनलेट होंगे, वो लैटरल वेन होंगे, वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल किसका है, बनाना की जो लीफ, बनाना यानी केले की जो लीफ होती है उसमें कैसा पाया जाता है, यूनिकोस्टेट, और कैसा पाया जाता है, पैरेलल वेरिएशन। फिर आ जाता है मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेरिएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मिडरिब रहेगा वो एक से अधिक रहेगा, क्लियर। लेकिन अगर ये जा करके ऊपर की तरफ आपस में मिल जाएंगे उसे कहा जाएगा कन्वर्जेंट, और अगर ऊपर जाकर सब मिडरिब का बिखर जाएंगे तो कहलाएगा डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट में आप देखेंगे इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जो बंबू लीफ होती है, यानी जो आपका कह सकते हैं कि हाँ बांस की जो पत्ती होती है, लीफ होती है, उसमें कन्वर्जेंट टाइप का पैरेलल विनेशन होता है। इसमें ये रहा एक मिडरिब, ये रहा दूसरा मिडरिब, और ये ऐसे रहेंगे और यहाँ से ऐसे लीफ निकले। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो मिडरिब है उसमें विनेशन कैसा होगा, ऐसे पैरेलल विनेशन होगा। तो दैट विनेशन आर कॉल्ड मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट पैरेलल विनेशन। जबकि यहाँ पर डाइवर्जेंट में एग्जांपल क्या है, पाम के लीफ, जो ताड़ होता है या जो दूसरे पाम प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल विनेशन होता है, लेकिन रिएक्टिव कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। मतलब ये रहा आपका स्ट्रक्चर्स, ऐसे मिडवे रहेंगे और ये सब एक दूसरे के साथ क्या जाएगा, फैल जाएंगे और लीफ ऐसे दिखाई देगी, दैट इज डाइवर्जेंट टाइप का पैरेलल वेन। पैरेलल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो लैटरल वेन होंगे उससे क्या होंगे, पैरेलल। इसी से कहा जाएगा पैरेलल वेनेशन। बात समझ आ रही है, तो इस प्रकार का वेनेशन होता है, यानी अरेंजमेंट होता है वेन, लैटरल वेन और वेनलेट का इन द लेमिना, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वेनेशन। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ आएगी। तो इस प्रकार का वेनेशन आपको देखने को मिलता है किसमें, लीफ के लेमिना। क्लियर हुआ।